नमस्कार, आप देख रहे हैं शुद्ध सियासत। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। हरियाणा में प्रचार शुरू होने से पहले असंतुष्ट बीजेपी नेता खुलकर सामने आ गए हैं। बीजेपी के 67 उम्मीदवारों में से करीब 40 के खिलाफ बाकी दावेदारों ने सीधा मोर्चा खोल दिया है। धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं, मीटिंगें हो रही हैं और आलाकमान को चेतावनी दी जा रही है। उधर कांग्रेस इसी डर से उम्मीदवार घोषित करने में देरी कर रही है और अपने समीकरण दुरुस्त कर रही है। इसी कड़ी में कई दिनों से चल रही अटकलों के बीच आज दो बड़े रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए। विनेश का जुलाना सीट से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है, जबकि बजरंग का इस्तेमाल पूरे हरियाणा में प्रचार के लिए किया जा सकता है। इन दोनों ने रेसलिंग में देश का नाम रोशन किया है। इसके साथ किसान आंदोलन और रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाने में ये दोनों बहुत मुखर थे, इसलिए हरियाणा के यूथ और किसानों का समर्थन लेने के लिए कांग्रेस इनको सियासत में लेकर आई है। दूसरी ओर राहुल गांधी की इच्छा के बावजूद पूर्व सीएम हुड्डा आम आदमी पार्टी या किसी और दल से गठबंधन के लिए राजी नहीं है। अगर कांग्रेस से गठबंधन नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी 50 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। उधर अपने मंत्रियों, विधायकों और दिग्गज नेताओं की बगावत से बीजेपी के लिए डैमेज कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि इनका संतोष और बागी तेवर बीजेपी का खेल खराब कर सकते हैं। इसलिए बीजेपी में कुछ सीटों पर उम्मीदवार बदलने पर भी विचार हो रहा है। हरियाणा की सियासत की इन गुत्थियों को देखते हुए शुद्ध सियासत में सवाल पूछा जाना जरूरी है कि बजरंग और विनेश की एंट्री से कांग्रेस को कितना फायदा मिलने वाला है। क्या असंतुष्ट और बागी नेताओं को मनाने के लिए बीजेपी टिकट बदलेगी? अगर आपसे गठबंधन नहीं हुआ तो कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान इस हरियाणा चुनाव में होगा? ये तमाम सारे सवाल और उनका जवाब तलाशेंगे इस चर्चा में। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने वाले खास मेहमानों में बीजेपी नेता अनिल गोयल जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता सुनील कटारिया जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और पॉलिटिकल एनालिस्ट आशीष सिंह लगातार हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। अनिल जी, सुनील जी और आशीष जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले तो अनिल जी से ही सवाल ले लेते हैं, चूँकि अनिल जी दिल्ली और हरियाणा को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। अनिल जी, इंटरनेशनल रेसलर विनेश और बजरंग पुनिया कांग्रेस में चले गए हैं, विनेश फोगाट का चुनाव लड़ना भी तय हो गया है जुलाना से, हालांकि अभी सूची जारी नहीं हुई लेकिन जुलाना से उनका चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। ये दोनों रेसलर हरियाणा में बहुत सम्मान पाते हैं, इसलिए ये तो कहिएगा ही नहीं कि इनके जाने से बीजेपी का कोई नुकसान नहीं होगा। आलोक जी, जो विनेश जी को और बजरंग पुनिया को या बाकी सबको सम्मान मिला है वो एक खिलाड़ी के रूप में सम्मान मिला है, एक बेटी के रूप में सम्मान मिला है, एक बेटे के रूप में सम्मान मिला है, ना कि एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में सम्मान मिला है। इन दोनों में अंतर आपको समझना पड़ेगा। आज से पहले विनेश फोगाट देश की बेटी, देश की शान, देश की आन और जिसने पूरे विश्व में देश का मान रखा, उस दृष्टिकोण से देखी जाती है। आज वो कांग्रेस में शामिल होकर के एक राजनीतिक दल के पार्टी की बेटी हो, निश्चित तौर पर इससे विनेश फोगाट का भी ग्राफ गिरा है, बजरंग पुनिया का भी ग्राफ गिरा है। और आप ये देखेंगे कि खिलाड़ियों में भी इस बात को लेकर के असंतोष है कि आपने जो खिलाड़ियों की लड़ाई है उसको राजनीतिक लड़ाई में ले लिया, और जो इससे पहले बीजेपी आरोप लगाती थी उस आरोप में सत्यता दिखाई दे रही है कि वो जो लड़ाई थी वो लड़ाई पार्टी में शामिल होने के लिए थी, अपने को राजनीतिक में स्थापित करने के लिए थी, ना कि किसी पहलवानों के हित में लड़ाई वाली बात। तो निश्चित तौर पर इससे हम विनेश का भी और पुनिया जी का भी, दो बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट का, दोनों का ग्राफ गिरेगा जी। और दोनों लोग जो हैं, जो पूरा, अरे एक बात नहीं है, चार समुदाय की बात नहीं कर, हिंदुस्तान की 36 बिरादरियों ने इन पर अभिमान करा, घमंड करा और इनको अपना बेटी माना। लेकिन अगर वो राजनीतिक हित साधना चाहते हैं तो उसका निश्चित तौर पर इन दोनों को बहुत बड़ा नुकसान जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अनिल जी ठीक है, आऊंगा आपके पास। सुनील जी,
हरियाणा के मुख्यमंत्री अनिल जी ने जो कहा वो सुन लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विनेश और बजरंग कांग्रेस की राजनीति का शिकार हो गए हैं, और अनिल जी ने जो कहा वो आपने सुन लिया। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी पैनलिस्ट साथियों को और जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, जितने दर्शक जुड़े हुए, सबको हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। और उसके बाद मैं ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां थी, जिस तरीके से इन भारत की बेटियों को, क्योंकि ये खिलाड़ी बेटियां, ये खिलाड़ी जो बच्चे, ये किसी एक स्टेट के ना होकर के, किसी एक कास्ट के ना होकर के ये भारत के बच्चे रहे, इन्होंने तिरंगे को फहराने का काम किया, भारत की शान को बढ़ाने का काम, ऊंचा उठाने का काम इन्होंने किया। और जिस तरीके से बृजमोहन शरण सिंह जी ने इन बच्चों के साथ जो जातियां की, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई और आवाज इतनी जोर से उठाई कि इनकी आवाज को दबाने में इस सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी, किसी तरीके से इस आंदोलन को कुचलने में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। इसके बावजूद ये बच्चे, जिस समय पे इन बच्चों का तैयारियां करनी चाहिए थी, उस समय पे ये बच्चे जो इनके साथ नाइंसाफी हुई उसकी आवाज उठाने में लगे हुए थे। इस निर्दयी सरकार ने इन बच्चों को जूतों से कुचलने का काम किया, इनके इनको जो है घसीटने का काम किया, जिस तरीके से जैसे इतना बड़ा अत्याचार तो मुगलों के काल में भी नहीं होता होगा, इस तरीके से जो इन बच्चों के साथ जो हुआ है। और अगर ये जो पहलवान बच्चे हैं, ये हमारे देश की शान है, अगर ये उस आंदोलन को या उस आवाज को उठा करके और किसी एक दल में शामिल होके अपने अपने जूनियर या अपने साथियों के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ना चाहते हैं और एक सिस्टम के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या समस्या है? इससे पहले भी यहाँ हरियाणा में ही योगेश्वर दत्त जी, जो हमारे हिंदुस्तान की शान रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी से दो बार उन्होंने चुनाव लड़ा है। इससे पहले भी खिलाड़ी जो है, खिलाड़ी, फिल्म स्टार और जितने भी सेलिब्रिटी हैं, वो लोग जो है राजनीति में आते रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारे लोग आए राजनीति में और राजनीति में सफलता कुछ हुआ भी उन्होंने जी। ठीक है सुनील जी, आपके पास आऊंगा। आशीष जी, क्या इन दोनों रेसलर्स के कांग्रेस के साथ आने से पार्टी को हरियाणा चुनाव में बूस्ट मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो अजीत जी, मैं द्विवेद जी आपको नमस्कार करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से अभी अपने सभी साथियों को भी नमस्कार करता हूं। और ये जो आपने आज मुद्दा रखा है शुद्ध सियासत में, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और मैं यहाँ पे दोनों भाइयों की बात को सुना और जिस प्रकार से अभी हमारे बीजेपी के साथी ने जैसे कहा कि एक रेसलर होके, देश की बेटी होके देश का नाम गिराने का काम किया है, यह कहीं ना कहीं उनका कहना उचित नहीं है, पूर्ण रूप से अनुचित है। इसको आप ऐसे समझिए कि हर कोई देश का बेटा और बेटी है, इस देश का जो वासी है वो देश का बेटा और बेटी है, इससे सभी लोग सहमत होंगे, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों या राहुल गांधी जी हों या कोई भी नेता हो। और रही बात विनेश फोगाट की या बजरंग पूनिया की, तो वह किसी भी दल में जाएंगे तो निश्चित रूप से वह देश के लिए काम करेंगे। और मानिए, सांसद दिग्विजय सिंह जी के ऊपर जो आरोप लगे थे, तो वो भी पहले कुछ न कुछ खिलाड़ी थे, तो यह कह देना कदापि उचित नहीं है कि एक खिलाड़ी होके राजनीति में आप कांग्रेस को ज्वाइन कर लिए, बीजेपी को ज्वाइन कर लिए, आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिए, तो आप देश का मान गिरा देते हैं। तो ये देश का मान गिराने वाली शब्द का इस्तेमाल करना शायद पूर्ण रूप से अनुचित होगा। जी, ठीक है। अनिल जी, एक बात तो ये समझनी पड़ेगी, कांग्रेस जब आज ज्वाइन कर रही थी तो विनेश ने एक बात कही उन्होंने कि बीजेपी ने तो उनको बार बार ये कहा कि वो दगे हुए कारतूस हैं, वो फूके हुए कारतूस हैं। अनिल जी, कहीं ये दगे हुए कारतूस, फूके हुए कारतूस हरियाणा चुनाव में आपके लिए मुसीबत ना बन जाए? आलोक जी, पहली बात तो ये है कि अभी आशीष जी कह रहे थे तो मैंने उनको ये नहीं कहा कि देश का मान सम्मान गिरा है, देश का मान गिरा है। मैंने कहा कि विनेश फोगाट ने का सम्मान गिरा है, उनका मान गिरा है, पूरा देश उनको बेटी के रूप में देखता था। अगर मैंने मान गिरने की बात करी तो विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के बारे में कही थी, मैं एक थोड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। दूसरा, जो अभी आपने कहा
कि क्या कहा था, सॉरी आपने, मैं जी बार बार जब जब ये लोग आंदोलनरत थे तब बार बार बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता था कि ये दगे हुए कारतूस हैं, ये फूके हुए कारतूस हैं। आज विनेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि बीजेपी की तरफ से हमें ये कहा जाता था। मैं वही आपसे सवाल कर रहा हूँ कि कहीं ये दगे हुए कारतूस, फूके हुए कारतूस हरियाणा चुनाव में आपके लिए मुसीबत ना बन जाए। नहीं देखो, ये तो सही मायनों में विनेश फोगाट ने अपना खिलाड़ी का रूप अदा करके सबकी बोलती बंद करी है कि वो फूके हुए या दगे हुए कारतूस नहीं थे। वो निश्चित तौर में खिलाड़ी थे, पहलवान थे, और उनके लिए आज भी हम उसका सम्मान मान करते हैं, पहली बात। और ये भी आप देखा होगा कि हमारी हरियाणा सरकार ने उनको सिल्वर गोल्ड का बराबर धनराशि देने का ऐलान करा, पूरा मान सम्मान करने का उन्होंने ऐलान करा है। वो उसलिए नहीं कि खिलाड़ी के रूप में उनका मान सम्मान करने की बात हुई है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के मेरे भाई बोल रहे थे, भाई वो खिलाड़ी है, उनको खिलाड़ी रहने देते। आप अपने हित साधने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उनको आप अपनी पार्टी में शामिल करके और आप अपने पैरों पर खड़े ना हो करके इन पहलवानों के पैरों पर खड़े होकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस अपने अंदरूनी इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि अपने बलबूते पर चुनाव लड़ सके। दूसरी बात मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि कांग्रेस आज जो दिखाई दे रही है ये लिस्ट भी इसलिए आउट नहीं कर रही है कि इसकी लिस्ट आउट होते ही कांग्रेस में बहुत बड़ी बगावत होने वाली बात है। और कांग्रेस जिस तरीके से चल रही है, निश्चित तौर पर कांग्रेस को इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और आगे भी 5 साल हरियाणा के लोगों की सेवा करेगी। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य सत्ता पाना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उद्देश्य है कि लोगों की सेवा करना, देश को विकसित भारत बनाना, उसको आगे लेकर के जाना, उस लक्ष्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं जी। और निश्चित तौर पर देश की जनता, जिस तरीके से हरियाणा का विकास हुआ है, जिस तरीके से देश का विकास हुआ है, जिस तरीके से देश का पूरे विश्व में सम्मान बढ़ा है, उन सबको ध्यान में रखते हुए हरियाणा की जनता पूरी तरीके से इस बार भी बीजेपी की सत्ता आएगी, बीजेपी की सरकार बनेगी और हम 5 साल और हरियाणा की सेवा करने वाले हैं जी। ठीक है, ठीक है। सुनील जी, इन दोनों रेसलर्स को कांग्रेस ज्वाइन करा के कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक तो चल दिया है हरियाणा चुनाव के लिए। मास्टर स्ट्रोक है आपकी तरफ से इन दोनों को पार्टी ज्वाइन कराना, और विनेश का तो टिकट भी फाइनल लगभग है, हालांकि अभी लिस्ट नहीं आई, लेकिन जुलाना से उसका टिकट चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। उसी तरीके से बजरंग पुनिया को भी कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए कांग्रेस ने मन बना लिया है। इन दोनों का उपयोग क्या पूरे हरियाणा चुनाव में किया जाएगा? देखिए, कांग्रेस का जो है, मेरा कहने का मतलब समझ लीजिएगा कि क्या स्टार प्रचारक के रूप में इनको इस्तेमाल किया जाएगा? मैं समझ गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पाप का घड़ा भर चुका है। आप देखिए, पिछले दिनों इनके एक मंत्री ने, संदीप सिंह जी ने, एक खिलाड़ी बेटी के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार किया था और उसके साथ उसके सारे के सारे जो है सारे के सारे उसके जो है प्रूफ थे, उसके जो है इनकमिंग कॉल थे, उसके चैटिंग थी, उसके सारे के सारे प्रूफ थे, और उस लड़की का झज्जर में उस जगह पर ट्रांसफर कर दिया गया था जहां पर वो ट्रैक भी नहीं था। ऐसे सिस्टम से ऐसे लोगों के साथ लड़ाई में अपने हकों की और खिलाड़ियों की लड़ाई को लड़ने के लिए बजरंग पुनिया और विनय फोगाट जैसे बच्चों का, ऐसे पहलवानों का सत्ता में आना बहुत जरूरी है, विधानसभा में जाना बहुत जरूरी है, ताकि युवा बच्चों का शोषण ना हो सके और उनकी लड़ाई वो लड़ सके और उनके अधिकारों की रक्षा कर सके। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो है ये पार्टी में आए हैं, इनका स्वागत है, और ये पहले भी स्टार प्रचारक थे और ये आगे भी स्टार प्रचारक रहेंगे। ये हमारी पार्टी से जुड़े हैं तब भी स्टार प्रचारक हैं, अगर ये इनकी विचारधारा हमारी पार्टी से नहीं मेल खाती है तब भी स्टार प्रचारक थे, क्योंकि इन बच्चों ने इतने बड़े बलिदान, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, इतने सड़कों के ऊपर बारिश में, इतनी सर्दी में किस तरीके से इन्होंने रात काटी है, सारी आपके चैनल के माध्यमों से पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया ने, पूरे वर्ल्ड ने देखा था कि ये बच्चे कैसे सड़क पे प्रैक्टिस कर रहे थे।
और उस प्रैक्टिस में उन्होंने करते करते ये वहां तक पहुंचे, और अगर अनफॉर्चुनेटली उस लड़की का अगर वो 100 ग्राम वजन कम हो गया होता तो आज देश में एक महिला पहलवान के द्वारा लाया हुआ पहला गोल्ड मेडल पाकर पूरा देश खुशी से हिलोरे मार रहा होता, एक बात। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो ये कह रही है कि ये जो है दुनिया में काम करने के लिए हरियाणा में आए हैं, अगर ये हरियाणा में हरियाणा का काम ही इन्होंने किया होता और लोगों की दुख तकलीफ को इन्होंने समझा होता तो 2 लाख नौकरियां युवाओं की खाली नहीं पड़ी होती। उन नौकरियों को भरने का काम करते, कितने पेपर लीक हुए हैं, हर साल बच्चे जो है हाथ मरते रह गए और उनकी उम्र निकलती चली गई, उनकी नौकरी नहीं लग पाई। किसानों के साथ किसानों के रास्ते में इन्होंने जो कील बिछाने का काम किया है और एक तरीके से जो विश्व का आज तक का इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन अगर कहीं हुआ है तो वो हरियाणा की सड़कों पे हुआ है, और उसको देखने के लिए हम भी उसके आंखों से हमने देखा है, और आने वाली जो पीढ़ियों को हम बताएंगे कि जिस जीटी रोड पर 1 घंटा भी ट्रैफिक बंद नहीं होता था वो 13 महीने तक वो जीटी रोड जाम रहा, और जिस तरीके से इन्होंने किसानों के साथ 750 किसानों का बलिदान उस आंदोलन में गया है, ये सरकार अगर ये कहती है कि इन्होंने हित के लिए काम किए हैं तो 9.5 साल के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों बदलना पड़ा? अगर हित के काम किए होते तो मुख्यमंत्री बदलने की क्या जरूरत थी, संगठन के मुखिया को बदलने की क्या जरूरत थी? पिछले 10 साल में इनके जो घोषणा मंत्री मुख्यमंत्री ने पिछले 10 साल में 4 अलग अलग जिलों से चुनाव लड़ने का काम किया है, 4 अलग अलग विधानसभाओं से लड़ने का काम किया है, पिछले 3 महीने पहले जिस विधानसभा से वो चुन करके आए हैं उस विधानसभा में वो दोबारा लोगों का सामना नहीं करना चाहते। ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या कमी है, अगर ये सत्ता में है और इन्होंने विकास के कार्य किए हैं तो क्यों नहीं लड़वाया उनको? जी बिल्कुल ठीक है अनिल जी, ये सवाल तो देखिए बड़ा है कि पहले तो आपने मुख्यमंत्री बदला और जो मुख्यमंत्री बदला, जब कल सीटों का बंटवारा हुआ, टिकट वितरण हुआ तो उनकी सीट भी बदल दी। नहीं देखो आलोक जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि इनके आंदोलन की अगवा साक्षी मलिक थी। आज साक्षी मलिक दुखी है, आज साक्षी मलिक नहीं चाहती कि इस हमारे आंदोलन का राजनीतिकरण हो। ये खिलाड़ियों की भावनाओं से पर बहुत बड़ी ठेस है। जो भोले वाले खिलाड़ी जो इनके साथ जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए थे और जो कहीं राजनीतिक संरक्षण बू आ रही थी, राजनीतिक उपयोग के लिए खिलाड़ियों का उपयोग कर रहे हैं, राजनीतिक हित साधने के लिए खिलाड़ियों का उपयोग कर रहे हैं, वो बात आज पूरी तरह से जग जाहिर हो गई है। दूसरी बात, आप ये बात भाई मेरे सुनील जी सुन लो भैया, सुन लो, सुनने में मैंने आपको बहुत आराम से सुना था। दूसरा, ये किसानों की बात कहते हैं, राकेश टिकैत का बयान आया था कि वो तो हम लाल किले पर चले गए थे, संसद भवन की तरफ चले जाते तो जो बांग्लादेश वो हिंदुस्तान में पहले हो जाता। यानी इस तरह की विघटनकारी नीतियां जो लोग हैं और वो निश्चित तौर पर इस तरह की भाषा बोलते हैं और भोले भाले किसानों को और भोले भाले खिलाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं, और इनकी भाषा कहां से कहां तक पहुंच जाती है, देश को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाती है, इसकी इनको कल्पना नहीं है। अपने राजनीतिक साधो, अपने राजनीतिक लड़ाई लड़ो, वो अपनी जगह पर है, लेकिन कम से कम जहां देश की बात आती है, देश की गरिमा की बात आती है, तो उस गरिमा को बचाने के लिए इनके बयानों को भी सोच समझ करके इनको बोलना चाहिए। चाहे राहुल गांधी ठीक है, वो भी इस तरह के बयान को उपयोग कर रहे हैं। ठीक है आशीष जी, विनेश और बजरंग पुनिया दोनों हम लोग देख रहे थे पिछले एक साल से रेसलिंग का जो विवाद चल रहा था उसमें तो एक्टिव थे ही, इसके अलावा किसान आंदोलन में भी कई बार हम लोगों ने देखा कि किसानों के बीच में गए, युवाओं में खासी लोकप्रियता है उनकी, और आपको पता है कि हरियाणा में 3 फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, किसान, पहलवान और जवान। मुझे लगता है कि ये तीनों, इन तीनों के बीच में कहीं ना कहीं इनकी लोकप्रियता बहुत है इन दोनों रेसलर्स की। हालांकि सारे रेसलर्स बहुत वहां पर सम्मानित दृष्टि से देखे जाते हैं, लेकिन ये दोनों और विनेश तो अभी चूंकि ओलंपिक में अच्छा परफॉर्म करके आई है इसलिए इसकी मान्यता ज्यादा है। ऐसे में ये दोनों अगर कांग्रेस के पाले में गए हैं तो निश्चित रूप से इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा।
आशीष जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल ही मिलेगा। और रही बात जो आपने तीन मुख्य मुद्दे हैं, और ये पूरा देश जानता है कि हरियाणा तीन मुद्दों पे चलता है, तो ये आप समझिए, इनकी बारीकी को समझना पड़ेगा, चाहे पहलवान, किसान या नौजवान, आप तीनों को अलग अलग हम समझें। जब किसान की बात आती है तो आपको ही याद होगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने संसद से किसान बिल को वापस लिया था, पहली बात। तो कहीं ना कहीं खामियां थी, उससे समस्याएं हो रही थी, तो उसका उनको बैक फुट पे आना पड़ा, चाहे वो कितने भी बहुमत में रहे। दूसरी बात, जब हम पहलवानों की बात करते हैं, पहलवान मुख्य रूप से उस प्रदेश को आगे बढ़ाता है, उसकी इमेज को बिल्डअप करता है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम होता है हरियाणा का। और हम देखते हैं कि एक रेसलर धरना प्रदर्शन करती है, लेकिन वह देश की बेटी भी है साथ साथ। तो देश के माननीय प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या होना चाहिए था? उनका कर्तव्य शायद हम लोगों की नजरों में यही होना चाहिए, और एक हर एक देशवासी की नजरों में यही होना चाहिए कि ब्रजभूषण सिंह जब माननीय सांसद हैं और सत्ताधारी दल के सांसद हैं और वो एक साथ जनप्रतिनिधि हैं, तो उनको तो सबसे पहले मुखर होके आके उनके धरने प्रदर्शन में उनके साथ वन टू वन डिस्कशन करना चाहिए। ये होता है सही तरीका। आप उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। अरे भैया, आप भी तो कहीं ना किसी पहले पहलवानी से आप अपने आप को सांसदी तक पहुंचाए हैं। हर इंसान, इस देश का बेटा बेटी, अपने क्षेत्र में पहले काम करता है, फिर देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आता है। तो उसका सम्मान हर एक दल में होना चाहिए, हर देशवासियों के द्वारा होना चाहिए। ये हमें सीखना पड़ेगा। जी, बिल्कुल यार, इसे बिल्कुल, इसे आप भी अवगत होंगे और सारा देश भी अवगत है, और हमारे बीजेपी और कांग्रेस के साथी भी अवगत होंगे। जी ठीक है अनिल जी, देखिए जिस जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, किसान, पहलवान, जवान, अपोजिशन का बार बार आप लोगों पर एलिगेशन है कि हरियाणा में इन तीनों का अपमान किया गया है बीजेपी की तरफ से, और अगर ये नैरेटिव सेट हो जाता है तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी, ये तय मानिए। आलोक जी, विपक्ष का काम है ये सेट करना, और वो विपक्ष अपना काम सेट करता है। जहां तक जवान, किसान और पहलवान की बात है, आप ये देखेंगे कि जितने भी खिलाड़ी हैं, सबसे ज्यादा पदक अगर जीत के आ रहे हैं तो इस बार जीत के आ रहे जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। इससे पहले हम पदकों की लिस्ट में कहां होते थे? इसका मतलब हमने खिलाड़ियों के लिए काम कराया, खिलाड़ियों को सुविधा उपलब्ध कराई है, और खिलाड़ियों को सुविधा उपलब्ध कराने वाले खिलाड़ी देश का मान सम्मान आगे बढ़ा रहे हैं। यानी सरकार खिलाड़ियों के लिए, पहलवानों के लिए पूरी तरीके से उनको पूरी सुख सुविधा देने के कृत संकल्प है। किसानों की जहां तक बात करें तो हमने किसानों के हित में बिल लाए, और हम अपनी बात उनको नहीं समझा पाए तो हमने किसानों की बात मानी, मान करके अपने बिल को वापस लिए। और जवानों की बात अगर हम करी जाए तो बॉर्डर पर जाकर के ऐसे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो बॉर्डर पर उन्हें अपनी दिवाली मनाते, घर के अंदर दिवाली नहीं मनाते हैं। हम पहले अगर आज जितना जवानों को हमने सुविधा उपलब्ध कराई है, जितना जवानों के साथ खड़े हैं, जितना जवानों के हाथ खोल रखे हैं, पहले लोग, पहली सरकारों ने जवानों के हाथ बांध रखे थे, पहले हमारे जवानों पर पत्थरबाजी होती थी, लोग आतंकवादी हमारे जवानों को मतलब पूरी तरीके से टॉर्चर करते थे, आज कम से कम हमारा जवान के हाथ पूरी तरह से खुले हुए हैं, और खुले हुए होने के बाद में पूरी तरीके से उनकी हर सुविधा, चाहे उनकी सिक्योरिटी का मामला हो, चाहे उनकी सेफ्टी का मामला हो, चाहे उनको सुविधाएं देने का मामला हो, चाहे उनको लड़ाई के जो औजार हैं वो उपलब्ध कराने का मामला हो, किसी मामले में भी जवानों की पूरे साथ सरकार खड़ी है, किसानों के साथ सरकार खड़ी है। किसानों को चाहे यूरिया उपलब्ध कराना हो, चाहे खेतों के अंदर पानी उपलब्ध कराना हो, चाहे उनके मूल्य का उचित दाम दिलवाना हो, हर मामले में किसानों के साथ खड़ी है। कुछ चंद किसान जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो उससे अपने राजनीतिक हित साधना चाहते हैं, वो उनके दिमाग में कुछ भी हो, या जो राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी तो निश्चित तौर पर कितना भी अच्छा करेंगे उसको कमी निकालेंगे, लेकिन आज हमारे देश का जवान भी खुश है, आज हमारे देश का किसान भी खुश है, और आज हमारे देश का पहलवान भी खुश है। तीनों में तो किसी को भी सरकार को शिकायत नहीं है, कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़ दिया जाए तो ठीक है। ठीक है सुनील जी, एक और मुद्दा जो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, आम आदमी पार्टी से आपके गठबंधन को लेकर,
राहुल जी चाह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक के अन्य दलों को भी हरियाणा में अपने साथ चुनाव लाया जाए, और उनकी ही पहल पर ये बातचीत भी शुरू हुई कि आम आदमी पार्टी को अपने साथ जोड़कर चुनाव लाया जाए, लेकिन बात बनती दिख नहीं रही है। आम आदमी पार्टी सीटें ज़्यादा मांग रही है, आप उतनी सीटें दे नहीं पा रहे हैं। फिर उनकी तरफ से सूत्रों के हवाले से हम लोगों के पास जानकारी आई कि वो 50 सीटों पर अपने प्रत्याशी लड़ाएंगे, और अगर ऐसा होता है और इंडिया ब्लॉक के जो आपके सहयोगी अगर वो भी उस चुनाव मैदान में उतरते हैं तो निश्चित रूप से आपको भी कहीं ना कहीं क्षति होगी। जी देखिए, पहले तो मैं, हमारे जो मेरे मित्र हैं जी, तो इन्होंने प्रधानमंत्री महामानव जी के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कही हैं कि इनके जो है राज में, इनके समय में हिंदुस्तान ने कितनी तरक्की की है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको याद दिलाना चाहता हूं कि जब हिंदुस्तान में लाखों से भरी हुई नदियां थी, कहीं शमशान घाट में शव रखने की जगह नहीं थी और नदी भरे हुए लाखों से जा रही थी, उस समय हमारे देश के पूजनीय प्रधानमंत्री जी थाली भिजवा रहे थे। ऑक्सीजन नहीं था हमारे देश में, हमारे देश में दवाइयों की कमी थी, हमारे देश में डॉक्टर्स की कमी थी, बेड की कमी थी, और जो अगर कहीं कोई पेशेंट एडमिट भी हो गया तो उसके साथ जो जो सौतेला व्यवहार वहां स्टाफ ने किया था वो सब हमारे देश के प्रधानमंत्री के सुपरविजन में हुआ था। जब हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि सब टॉर्च दिखाइए, ये हमारे देश में विश्व में ऐसा पहली बार हुआ है कि थाली बढ़ाई गई थी, ये भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया था। उसके बाद इन पहलवान बच्चों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, दबदबा तो था, दबदबा तो रहेगा, याद होगा आपको, आपको याद होगा, मैं मेरी भी तरफ से ये दुआ है कि ये जो पहलवान हुए ये इतने सक्षम बने, और भगवान की दया से अगर कांग्रेस पार्टी का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का अगर हरियाणा प्रदेश में सरकार बनती है तो मैं निजी तौर पर निवेदन करूंगा कि चौधरी साहब इनमें से एक बच्चे को कम से कम मंत्रालय जरूर मिले और वो खेल मंत्रालय जैसा मंत्री बने, ताकि दबदबा तो था और दबदबा तो रहेगा। उस जैसे जो आदमी थे जो भ्रष्टाचार में गले तक नाक तक जो भरे हुए थे, उनको ये दबाव दे के कि ये बच्चों का हम भला कैसे करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपने आम आदमी पार्टी के बारे में जो बात कही है, देखिए ये काम हमारा शीर्ष नेतृत्व का है, अगर उनकी हमारी विचारधारा मेल करती है और हमारा सीटों पे अगर कोई हमारे बात बनती है तो हमारा संगठन होगा, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अगर हम मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलकर लड़ते तब भी हमारे हरियाणा में 2552 लोगों ने पैसे देकर फार्म भरे हुए हैं, इतने ज्यादा सक्षम और काबिल, जिताऊ और टिकाऊ हमारे पास उम्मीदवार हैं, एक एक सीट पर एक से ज्यादा और तकरीबन 70-80 उम्मीदवार हमारे पास हैं। कोई हमारे पार्टी को कहीं कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पार्टी हाईकमान को ऐसा लगता है तो उनका स्वागत है हमारी विचारधारा से। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अनिल जी, सुनील जी, आशीष जी, वक्त कम है इसलिए चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा, आप तीनों का शुक्रिया करूंगा। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है जिसपे पार्टियां जीतने के लिए हर तिकड़म लगाती हैं और सारे समीकरण बैठाने की कोशिश करती हैं। विनेश और बजरंग को कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए ही शामिल कराया है और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। हर पार्टी और हर व्यक्ति लोकतंत्र में ये काम करने के लिए आज़ाद है, लेकिन अब गेंद जनता के पाले में है, फैसला जनता को करना है। इस बुलेटिन में इतना ही, बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV27 न्यूज़। नमस्कार।